बधाई हो आपको, आप सेम वापस नहीं जा रहे, पक्का बता रहा हूं, आप सेम नहीं जा रहे। पिछले संडे आप यहां मौजूद थे वो डालियां लेकर, और पूरी दुनिया में डालियां लेकर लोग चर्चिस में मौजूद थे, इसलिए कि जीसस क्राइस्ट का स्वागत हुआ था तो मुझे भी स्वागत करना है डाली लेके। लेकिन आपको क्या बताया था कि वो कहां होना चाहिए, कहां होना चाहिए? आपके हार्ट में उसका जन्म होना चाहिए, आपके दिल में वो होना चाहिए। उसका स्वागत अपने दिल की डाली के साथ करना है। आमीन। तो लोगों को समझ आया, अच्छा मुझे चर्च डाली लेके जाने हैं, इसलिए नहीं कि जीसस क्राइस्ट को वही डाली वाला स्वागत चाहिए। ये तो एक निशानी है कि मुझे जीसस क्राइस्ट का स्वागत अपने दिल में करना है अगर मैं रियली कुछ चेंज होता हुआ देखना चाहता हूं। नहीं तो जिस तरह दूसरे लोग अपने त्योहारों को मनाते हैं लेकिन उनकी जिंदगियों में कोई भी चेंज नहीं होता, उसी तरह से क्रिश्चियन लोग भी अपने त्योहारों को मनाते हैं और जिस करैक्टर के साथ चर्च में एंटर करते हैं उसी करैक्टर के साथ वापस चले जाते हैं और उनकी जिंदगियों में कोई बदलाव नहीं होता। इसीलिए उनकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स और वो बुलाहट भी पूरी नहीं होती जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुलाया। यीशु मसीह जी उठे थे आज से 2000 साल पहले, इसलिए मैं चर्च में आया हूं क्योंकि मेरी फैमिली क्रिश्चियन है। एक वचन तो मैं पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम 4 उसकी 33 आयत में लिखा, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रेरित बड़ी सामर्थ से यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। प्रभु यीशु मसीह जी उठे और बाइबल कहती कि प्रेरित बड़ी सामर्थ से यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे। किस बात की गवाही? आज आप चर्च में क्यों हैं? यीशु मसीह जी उठे, लेकिन क्यों जी उठे? वो जी उठे 2000 साल पहले, जी उठे लेकिन क्यों? वाई? वो डाली लेके चर्च में आना जरूरी है कि अपने जीवन के अंदर, हार्ट के अंदर जीसस को लेके जाना और उसके अनुसार जीना जरूरी है। बाइबल कहती वो यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, जहां भी जाते थे जी उठने की गवाही। किस तरह से देते थे अभी आपको मैं बताता हूं। लिखा उन सब पे बड़ा अनुग्रह था और यीशु मसीह के जी उठने की वो गवाही देते थे। रोमियों 8 उसकी 11 आयत में लिखा, जिस परमेश्वर की आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया वो तुम्हारे, कहां है वचन, तुम्हारे नश्वर शरीरों को क्यों ना जी उठाएगा? तो वो टेस्टमनी क्या देते थे कि परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया वो तुम्हारे मरे हुए गर्भ को, मरे हुए बिजनेस को, मरी हुई लाइफ को, मरे हुए फाइनेंस को, मरे हुए परिवार को वो क्यों ना जी उठाए। और जब वो टेस्टमनी देते थे प्रेरित, जब प्रेयर करते थे तो लोग चंगियाई को पाते थे, दुष्ट आत्मा से छुटकारे को पाते थे, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को, और अपनी जिंदगी में से वो शैतान को निकलता हुआ और परमेश्वर के जी उठने की गवाही को पाते थे। ये मतलब था कि प्रेरित जी उठने की गवाही देते रहे, यानी जब वो लोगों से बात करते थे, लोगों पे प्रेयर करते थे, लोगों को प्रैक्टिकली मालूम होता था कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया और मैं जी उठा। होता क्या है, सुनो, जब कोई भी व्यक्ति, अगर आप मेरे साथ किसी भी वजह से अटैच हैं, फोन पे या सामने आप आएंगे तो परमेश्वर मुझसे बात करेगा आपके लिए। सुनो मेरी बात, और मैं चुप करके रहने वाला नहीं हूं, मुझे जो परमेश्वर ने कहा, इसलिए आपने बहुत सारे मेरे सन जो हैं उनकी टेस्टमनी सुनी होगी जो पास्टर्स हैं, कि आप, इन्होंने मुझे वर्ड दिया, मैंने एग्जैक्ट वर्ड फॉलो किया, आज मेरी चर्च 20,000 क्रॉस कर गई। कोई बोलता आज मेरी चर्च 10,000 क्रॉस कर गई, सिर्फ 2 साल में मेरी चर्च 5,000 क्रॉस। आपने वर्ड दिया क्योंकि जैसे ही आप सामने आएंगे वो जी उठने की सामर्थ जो है वो आपके लिए काम करेगी। मेरी बात समझ रहे कि नहीं आप? क्योंकि मैं जैसे ही आपको देखूंगा मुझे मालूम होगा आपको क्या करना है, आपको कौन सा स्टेप लेना है। क्यों?
बाइबल कहती प्रेरित जी उठने की गवाही को देते रहे। परमेश्वर के जी उठने की टेस्टिमनी क्या है कि तुम्हारी लाइफ जो मुर्दा है वो फाइनेंस है, बॉडी है, तुम्हारा ब्लड है, हड्डियां है, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा बेटा है, वो तुम्हारी सेवकाई है, वो जी उठेगी यीशु मसीह के नाम। इस रेजुरेक्शन डे का मतलब क्या है? उसका मतलब भी यही है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, अपने पड़ोसी को बोलो अगर वो तुम में बसा हुआ है तो, बोलो बोलो पड़ोसी को अगर वो तुम में है तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सुनो, और प्रेरित भी क्या करते थे? वो यही काम करते थे, वो खुदावन के जी उठने की क्या बोल रहे थे? गवाही बोल रहे थे। कैसे? प्रैक्टिकली। सिर्फ वो त्योहार की तरह ईस्टर को नहीं मना रहे थे कि यीशु मसीह जी उठे, आज मुझे चर्च में जाना है क्योंकि यीशु मसीह जी उठे थे। उसने कहा वो इसीलिए जी उठा ताकि वो जब स्वर्ग में जाए अपनी आत्मा को तुम्हारे लिए भेजे। अब उसका आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जी उठाया अगर तुम में बसा है तो, अगर, इफ कंडीशन जे तो अड्डे जो बसया है ता जे तो अड्डे अंदर है ता अगर तुम में अगर 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 तुम में बसा हुआ है तो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम इसे त्योहार की तरह नहीं मनाएंगे कि आज मम्मी ने बोला कहीं और नहीं जाना तो मैं आ रहा हूं। हम इसे समझेंगे यीशु मसीह इसलिए जी उठा कि तुम्हारे मरी हुई चीजें जी उठें। कैसे? कैसे? सिर्फ एक त्योहार मनाने से नहीं। कहता वो आत्मा जो जीसस के अंदर था और उसने उसकी मुर्दा देह को जी उठाया, अगर वो आत्मा तुम में बसा हुआ है तो वो तुम्हारे मरे हुए शरीरों को क्यों ना जी उठाएगा। वो मरी हुई हड्डी हो सकती है, मरा हुआ गर्भ हो सकता है, मरा हुआ फाइनेंस हो सकता है, मरा हुआ परिवार हो सकता है, वो मरा हुआ स्पिरिचुअल लाइफ हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, यीशु मसीह के नाम में वो जी उठेगा। आज की मीटिंग में आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। क्यों 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 तुम त्योहार को, क्यों तुम रेजरेक्शन डे को मनाओगे? क्यों क्यों? उसका रीजन है। प्रेरित किस चीज की गवाही दे रहे थे? जी उठने की। क्या टेस्टिमनी दे रहे थे? कि भाई साहब प्रभु यीशु मसीह क्यों जी उठे ये मालूम होना चाहिए। अगर वो जी ना उठता तो स्वर्ग ना जाता, अगर स्वर्ग ना जाता तो पवित्र आत्मा को पिता के दाहिने हाथ बैठ के धरती के ऊपर 120 लोगों के ऊपर पेंटिकूस के दिन ना भेजता। अगर उसका आत्मा ना आता तो तुम भी मुर्दा होते और मैं भी मुर्दा होता, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में चले जाते और धरती फिर खाली हो जाती। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पहले क्या होता था, किसी किसी पे आत्मा उतरता था, दाऊद के ऊपर, सैमुअल के ऊपर, भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर, दबोरा के ऊपर, यहोशू के ऊपर, सब पे नहीं उतरता था। लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, सबत के दिन उन्होंने दूसरी आत्माओं को प्रचार किया, संडे के दिन वो जी उठे, शैतान का तमाशा बनाया, 40 दिन फिर प्रचार किया, जीवित स्वर्ग पे गए। सुनो, स्वर्ग पे जाके पवित्र आत्मा को भेजा जो 120 लोगों के ऊपर पेंटिकोस के दिन उतरा, और उन पे उतरा जो पेंटिकोस का त्योहार धार्मिक रीति से नहीं मना रहे थे बल्कि अंदर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। और जब वो आत्मा उन पे उतरा फिर वो गवाही देना शुरू हो गए, क्योंकि जिस बंदे के साथ वो मिलते थे वो मुर्दा हालत में नहीं रहता था। आज आपका सामना जीसस क्राइस्ट की आत्मा के साथ हो रहा है। मैं आपको यीशु मसीह के नाम में प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, आपकी चीजें जी उठेंगी आज इस मीटिंग के दौरान। आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपके साथ जुड़ा हुआ हर एक शख्स, हर एक चीज, हर एक बिजनेस,
और तैयार हो जाओ एक्सट्रीमली बिजी होने के लिए। क्रिसमस तक तुम एक्सट्रीमली बिजी होगे, ऐसी की तैसी मंदी की, ऐसी की तैसी शैतान की इन जीसस ने। हालेलुया। क्योंकि कांबरा चर्च त्योहार मनाने के लिए चर्च में नहीं आई कि आज ईस्टर है और हमें डांस करना है और डांस देखना है। नो 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 नो, हमें समझना है यीशु मसीह क्यों मरे, क्यों जी उठे, ताकि वो अपनी आत्मा भेजे। और आज कहता, अगर उसका आत्मा तुम में बसा हुआ है तो, अब सवाल है तुम में बसा है कि नहीं, तुम में बसा है कि नहीं, वो तुम जानते हो, वो मैं नहीं जा, तुम जानते हो, तुम्हारे परिवार भी नहीं जानते, तुम्हारी मम्मी भी नहीं जानते, तुम्हारे पापा भी नहीं जानता, वो तुम जानते हो कि वो आत्मा तुम में बसा है कि नहीं। क्योंकि अगर मेरा दिल परमेश्वर के साथ लगा हुआ नहीं और मैं उसकी आवाज को सुनता नहीं हूं, उस माफ नहीं करता हूं, नफरत रखता हूं, आपको तो पता है बांस पेंट कर रहा हूं, मुझे भी मालूम है बांस पेंट कर रहा हूं, लेकिन उसको मालूम नहीं है मैं पेंट कर रहा हूं। आपको तो पता है मैं बोल रहा हूं, मैं मुझे पता है मैं बोल रहा हूं, उसको नहीं मालूम मैं बोल रहा हूं। आपको मालूम है आप बैठ के ताली बजा रहे और मैं आपको ताली बजाता देख रहा हूं, पर उसको मालूम नहीं कि तुम ताली बजा रहे। अगर उसका आत्मा तुम में बसा है, निशानी होगी तुम जी उठोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं तुम्हारा फाइनेंस मरा हुआ रह जाए। सुनो, प्रेरित जी उठने की गवाही, क्या गवाही देते रहे कि वो जी उठा है, उसका आत्मा हम में है, हम ले हैंड करेंगे तेरे ऊपर, तू हील होगा, जी उठने की गवाही। अगर तुम भी उसका आत्मा अपने अंदर बसा लोगे तो चीजें जी उठेंगी, मुर्दा शरीर जी उठेंगे, मुर्दा चीजें जी उठेंगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये है आपके आने का मकसद। लेकिन अगर लोगों को रेजुरेक्शन का असली मतलब मालूम होता तो खामबरा की तरह हर चर्च भरती हर रोज हर संडे को, पर उनको मालूम नहीं। अगर उनको सिखाया जाता तो वो चर्चें भरी होती, खाली नहीं होती। सिर्फ संडे और सिर्फ ईस्टर और क्रिसमस वाले दिन उनकी चर्चों में रश नहीं होता कि पास्टर साहब बहुत बिजी हैं आजकल क्योंकि क्रिसमस आ गया और ईस्टर आ गया। लेकिन अगर आप मुझे देखेंगे, ईस्टर हो, क्रिसमस हो, नॉर्मल संडे हो, सब एक जैसा है। कारण यही है, समझ, आपको मालूम होना चाहिए वो क्यों जी उठा, कि वो अपना आत्मा भेजे, उसका आत्मा तुम में बसे और फिर जो तुम में मुर्दा है वो जी उठे। जो तुम्हारा हस्बैंड जो स्पिरिचुअली मुर्दा है, तुम्हारी वाइफ जो मुर्दा है, तुम्हारे बच्चे जो मुर्दा है, तुम्हारा फाइनेंस जो मुर्दा है, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी सेहत, तुम्हारा ब्लड, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारा हर वो चीज जो मुर्दा है वो जी उठे, इसलिए परमेश्वर जी उठे। आमेन। और लिखा वो जी उठने की गवाही देते रहे कि उसका आत्मा जो मसीह में बसा हुआ था उसको उसने जी उठाया, वही आत्मा तुम में बसा हुआ है। जो आत्मा जीसस के अंदर था, सेम लेवल का आत्मा, 90% नहीं, 80% नहीं, 100% तुम में बसा हुआ है। लेकिन वो मर्जी अपनी है कि घर में अगर फेरारी भी खड़ी हो तो तुमको पैदल जाना है तो तुम्हारी मर्जी है। कि अच्छा 3 स्टोरी घर डाला है फिर भी एक गली में सोना है, वो तुम्हारी मर्जी है। तुम राजाओं के राजा के बेटे और बेटियां फिर भी भीख मांग के खाने हैं, फिर तो तुम्हारी मर्जी। कि है तुम जीवित परमेश्वर की संतान और उसका आत्मा हमें बसा हुआ है फिर भी मुर्दों की तरह जिंदगी बितानी, तो फिर हमारी मर्जी। इसलिए परमेश्वर ने कहा था इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हुआ, तुम्हारे उद्धार का काम, हीलिंग का काम, डिलीवरेंस का काम, तुम्हारी बरकत का काम, श्रापों से मुक्ति का काम, सब कुछ पूरा हुआ। अब जस्ट विश्वास करना, उसका आत्मा ग्रहण करना, दैट्स इट। आज आप उसकी आत्मा से भर के, उसकी आत्मा के कटोरे को पी के, उसका आत्मा अपने अंदर बसा के यहां से वापिस जाएंगे, ताकि वो सब चीजें जो मुर्दा है आपकी लाइफ में जी उठे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आज आपको खोजे पकड़े, वो आपको कैच कर ले आज।
आपकी स्पिरिट को कैप्चर करके अपनी स्पिरिट आपके अंदर डाल के आपको वापस भेजे। आप उसके रंग से रंग के जाएं, उसकी आत्मा से भर के वापस जाएं, इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, क्यों आए हो चर्च? क्योंकि आज जी उठने का दिन है। बोलो, सिर्फ आज नहीं आना, हर संडे आना है, हर थर्सडे आना है, जब बुलाया जाए तब आना है। आमीन, आमीन। जब आपको मालूम है कि मुझे सिर्फ एक रिलीजियन की तरह इसको फॉलो नहीं करना, एक रिलेशनशिप की तरह फॉलो करना है, तो बाइबल कहती है अपने आप को उस आत्मा से परिपूर्ण करते जाओ तो तुम में बसा हुआ है। कैसे करते परिपूर्ण? वर्शिप करके। इसलिए आप हर संडे आते हैं, वर्शिप करते हैं, थर्सडे वर्शिप करते हैं, शाम को प्रेयर माउंटेन की प्रेयर में हम जुड़ते हैं। क्यों? ताकि वो आत्मा हमारे अंदर रिन्यू रहे, भरपूर रहे। आमीन। वो आत्मा को बुझाना नहीं, उसको ठंडा नहीं करना, क्योंकि वही आत्मा है जो आपके अंदर जी उठाएगा। कोई मेडिसिन कई बार काम नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा काम करना चाहता है। अगर उसका आत्मा तुम में बसा है, अगर, तो तुम मेडिटेशन कर सकते हो रोज, तुम्हारी मुर्दा चीजें जी उठ रही यीशु के नाम, क्योंकि उसका आत्मा तुम में बसा हुआ है। ये इम्पॉसिबल है तुम्हारा फाइनेंस मरा रह जाए अगर तुम्हें यह रेवलेशन है, तो तुम्हारी सेवा मरी हुई हो, इम्पॉसिबल है। इतनी ब्रांचेस निकालने के बाद भी चर्च से अगर आप चर्च का एंड नहीं आप देख पाएंगे, इतनी ब्रांचेस और हर ब्रांच फिल है। अगर चर्च से जब आप 10-12 हजार की ब्रांच को निकालते हैं ना, तो चर्च में फर्क पड़ता है कि 12 हजार बंदा दूसरी ब्रांच में निकाला है, कि कुछ टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन आपको हर ब्रांच एंड तक आपको भरा मिले। क्यों? अगर आपको रेवलेशन है कि वो आत्मा जो जीसस के अंदर था, अगर मुझ में है, कोई चीज मुर्दा नहीं रहेगी। अब संभाल के क्या रखना है? अपना आईफोन, उसका आत्मा। अपनी रेपुटेशन संभाल के रखनी, क्यों क्रिश्चियन बन जाएंगे तो वो कुछ ना कहे, क्रिश्चियन बन गए तो वो कुछ ना कहे, मेरा एमएलए कुछ ना, मेरा सरपंच ना कुछ कह दे। वो संभाल के रखना है कि आत्मा संभाल के रखना? तुमने वो संभाल के रखा है इसलिए तुम मुर्दा हो। जब विरोध शुरू हुआ था पंजाब में, बहुत से लोग हट गए कि नहीं नहीं अब फिर आगे वापिस। सोचो परमेश्वर क्या सोचता होगा उनके लिए। जब यारी प्रूफ करने का टाइम था, तुम प्रूफ नहीं कर पाए। जिसने प्रूफ किए उसका, उसकी बल्ले बल्ले, हालेलुया। वो यारी प्रूफ करने का टाइम था कि खुदावन तू मेरा सच्चा यार, कोई विरोध हो, कोई पंगा हो, कोई टेंशन नहीं, जो काम जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, ज्यादा ब्रांचें खोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आमेन। क्योंकि वो आत्मा जो तुम में बसा हुआ है, वो जानता है तुम्हारी चीजें मुर्दा है, उसे जी उठाना है। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं, अपने दोस्तों से मिलता हूं, कई बार मैं मौका मिलता है मुझे कि मैं उनको बुला लूं 2 मिनट के लिए कुछ सालों के बाद, तो क्या नोटिस करता हूं, बहुत मेहनती लोग, लेकिन अभी भी चीजें मरी हुई। क्यों? ना तो बल से, ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। मेहनती लोग लेकिन मरे हुए, टैलेंटेड, अच्छे, गुड नेचर, ईमानदार, फिर भी मरे हुए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना तो बल से, ना तो ईमानदारी से, ना तुम्हारी ताकत से, ना तुम्हारे टैलेंट से, बल्कि उसके आत्मा के द्वारा। और जब मैं ऐसे अपने लोगों से, पुराने लोगों से मिलता हूं 15 साल बाद, तो मुझे फर्क महसूस होता है कि परमेश्वर का आत्मा हम में नजर आता है, कि वाकई वो चीजें जो लोगों की संघर्ष से भरी हुई, वो हमारे लिए ऐसा है जैसे एक पेपर फाड़ना एक कॉपी से, शुर खत्म, बड़ा काम फिर खत्म, दैट्स इट। और उनके लिए बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो, जो आपके लिए आसान हो चुके हैं, क्योंकि ना बल से, ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। उसका आत्मा आज से आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाए।
आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च, ये मकसद है आपको चर्च में परमेश्वर का लेके आने का, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसकी आत्मा को दिल में बसाएं, उसकी आत्मा के अनुसार चलें, उसकी आत्मा की ताकत को प्रयोग करें, प्रेयर से उसको जिलाएं जो मुर्दा है, क्योंकि उसका आत्मा आपके अंदर बसता है। जब उसका आत्मा मेरे अंदर है, मान लो उसका आत्मा आपके अंदर है, हाँ समझ गए। अब अगर आगे क्या, अब जब उत्पत्ति हुई थी, यहोवा ने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला बोला किसने, यहोवा ने उजाला किसने किया, पवित्र आत्मा ने। जब पवित्र आत्मा आप में बस गया, अब दूसरा काम यह है आपको बोलना है। क्या बोलना है, तेरी ऐसी दी तैसी, गुआंडन को यह नहीं बोलना है। क्या बोलना है, वो बोलना है जो बाइबल कहती है। मेरी जुबान बाइबल की जुबान सेम सहमत होनी चाहिए, अगर मुझे बाइबल वाला छुटकारा लेना है तो। कैसे, मान लो कोई ऐसा यहां शख्स बैठा है जिसको डॉक्टर ने बोल दिया, भाई तेरी हड्डी, बहन जी आपकी हड्डी में ना मॉइस्चर खत्म हो गया, आपकी हड्डी में जो ग्रीस खत्म हो गई, आपकी हड्डी सूख गई, अब आपको पेन होता है। नीति वचन 3 में लिखा, अगर तू मेरी आज्ञाओं को माने, मेरे हुक्मों को माने और मेरा डर माने और बुराई से दूर रहे, मैं तेरी हड्डियों के मॉइस्चर को ठीक कर दूंगा। लेकिन आपको मालूम नहीं ये लिखा कहां है, आप में आत्मा तो है पर अब वचन नहीं। अगर किसी को मालूम हो कि ये बाइबल में लिखा है कि ग्रीस दोबारा आएगी, क्योंकि वचन कहता है कि वो तेरी हड्डियों को फिर से, तेरे शरीर को भला चंगा और तेरी हड्डियों को पुष्ट करेगा। पुष्ट करने का मतलब इब्रानी भाषा में है मॉइस्ट करेगा, फिर से मॉइस्चर आ जाएगा, फिर से वो गीली हो जाएंगी, ग्रीस वाली हो जाएंगी। तो वो क्या करेगा बंदा, वो बैठेगा, उसका आत्मा परमेश्वर का उसका अंदर है, उसको मालूम है कि वो पाप से बाहर है, खुदावंद को ही मानता है, लंगर प्रसाद से परे है। अब वो बैठेगा और उन वचनों को बोलेगा कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तुम्हारी हड्डियों को पुष्ट करेगा, अपनी हड्डी पे हाथ रखेगा, जी उठने के लिए बोलेगा और रिजल्ट देखेगा और हैरान होगा। कैसे, जो प्रेरित काम करते थे उनको मालूम था कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, हाँ इसको इसको बेबी की जरूरत है, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वचन कहते धर्मी का वंश बचाया जाएगा। उस वचन को याद करके बोलूंगा, डोंट वरी तेरे बेबी होगा। क्यों, मैंने वचन को याद किया है, वचन को बोला है, स्पिरिट मेरे अंदर है, मैंने ले हैंड किया, डोंट वरी मुझे मालूम है होगा। ये कोई टोटका नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है, जस्ट वर्ड नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड मिरेकल है। आप समझ रहे मेरी बात को, सोचा समझा, क्यों, क्योंकि आपको रेवलेशन मिल गई, आपको समझ आ गई कि प्रभु का आत्मा अगर मेरे अंदर है वो जी उठाएगा सब मुर्दा चीजों को। अगर मेरी जी उठाएगा तो उसने कहा तू जिस पे हाथ रखेगा वो भी जी उठेगा। अब सुनो, जब कोई मुझे मिला, अच्छा मेरे बेबी नहीं, डोंट वरी मैं वचन को याद करूंगा, परमेश्वर का धर्मी का वंश बचाया जाएगा, डोंट वरी ओके मैं प्रेयर करूंगा आपके लिए, आपका वंश बचाया जाएगा, आपके बेबी होगा। ये मैंने वर्ड नहीं कहे, मैंने बाइबल के वचनों को याद किया, स्पिरिट का यूज किया, ले हैंड किया, वर्ड बोला, मुझे मालूम है काम होगा। अब आपको समझ आ रही कि पहले तो उसकी आत्मा को अपने अंदर बसाना है, दूसरा आपको वचन की एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा वचन कहां लिखा है, मेरी बीमारी के विषय में, मेरे हस्बैंड के विषय में, मेरी वाइफ के विषय में, मेरे फाइनेंस के विषय में, कौन सा वचन क्या कहता है आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि जहां आत्मा है और वचन नहीं वहां भी काम नहीं होता। आपने चर्चेस में देखा होगा वचन का प्रचार बड़ा गहरा होता है कई जगह, गहरा प्रचार करेंगे, बाइबल जो दाऊद दी अन्य लड़ाइयां ओ तेरे दिया, पर आत्मा नहीं, प्रचार कर देंगे आत्मा नहीं तब भी काम नहीं होगा। और कई जगह सामर्थ को
उड़ाते रहेंगे, भगाते रहेंगे, वचन नहीं है तब भी काम नहीं होता लोगों की लाइफ। इसीलिए आपको बैलेंस रखना पड़ता है, आपको वचन भी देना पड़ता है, आपको स्पिरिट की मैनिफेस्टेशन भी करनी पड़ती ताकि लोगों की लाइफ में काम हो, प्रैक्टिकल उनकी जिंदगियां बदलें। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? रोमियो 8:11 फिर पढ़ेंगे, यदि मसीह का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जी उठाया अगर तुम में बसा हुआ है तो वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी क्या करेगा? जी उठाए। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हें अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, प्रॉब्लम ये है जो आत्मा या तो तुम में बसा नहीं, अगर बसा हुआ है तो तुम उसको काम में नहीं लेके आए अब तक। आप मेरी बात समझे कि नहीं? इसलिए अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं, आप सिर्फ ईस्टर वाले दिन ही नहीं, आप संडे, हर संडे को चर्च में होंगे, आपको मालूम होगा कि आप ही का मुर्दापन खत्म होने वाला है, आपको मालूम होगा आप ही का मुर्दापन फिनिश होगा जब आत्मा आपके अंदर होगा और आत्मा के द्वारा वर्ड आप बोलेंगे तो वो आप ही की फैमिलीज में काम करेगा। नहीं तो आपका पादरी तो जीवित ही है लेकिन आप मुर्दा होंगे। अपने हाथों को उठा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंचों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।